सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब का डिवाइन अंश परिवार चैनल को। मैं हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में बात करूंगा एक कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट बहुत जटिल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम लोगों की ये समस्या रहती है, स्पेशली उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी को जान ली है, या चाहे या अनचाहे में उनका सामना स्पिरिचुअलिटी से हो चुका है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के कि ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, जाने या अनजाने में उनका सामना स्पिरिचुअलिटी से क्यों हुआ है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में। यानी कि आपने देखा होगा तमाम लोग इस दुविधा में फंसे रहते हैं कि हमारा पर्पज ऑफ लाइफ है क्या। ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो इस टॉपिक पे बनाई हैं, लेकिन वो वीडियो सम थी, यानी कि इस तरह से थी कि सभी लोगों के लिए उसमें आ जाएगा। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा, अगर आप 10,000 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे फ्यूचर में चल के, या आगे लाख लोग भी देखेंगे, तो सभी लोगों को मैं गारंटी देता हूँ अगर ये वीडियो आप देखोगे तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझ में आ जाएगा। क्योंकि इतना सिंपली मैं आज इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपकी जो दुविधा बनी हुई है इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को इस तरह शुरू करते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं भारत की, मैं बात करता हूं, दूसरे जहां की इतनी बात नहीं करेंगे, स्पेशली भारत की बात करेंगे। भारत में ऐसी बहुत सारी जनसंख्या है, स्पेशली ग्रामीण एरिया में, यानी कि जो गांव रहते हैं उन्हें स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी गाँव में रह रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ की मनोदशा कैसी रहती है। हाँ, वो बहुत हद तक भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अगर मैं हिंदुओं की बात करूँ तो, और जो इस्लाम में होंगे वो अपने तौर तरीके से हिसाब से बात करेंगे। और गांवों में स्पेशली हिंदू मुस्लिम ही हैं, क्रिश्चियन अपने गांवों में इतने नहीं हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है। खैर, तो इन लोगों को भक्ति की, यानी कि जो रिलीजन बेस्ड नॉलेज है वो बहुत है। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब फ्री विल की हम बात करते हैं, तो उसका जो जुड़ाव है वो बहुत कम है। हालांकि किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अपना परिजन चला जाता है, तो इसी की खोज करते करते वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी तक आ जाते हैं। मैंने जैसे कहा आपको, चाहे और अनजाने में, या चाहते ना चाहते हुए भी वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से उनका सामना हो जाता है। एक तो ये बात है। लेकिन जो कुछ लोग अर्बन एरिया में हैं, यहाँ पर मैं किसी को नीचा या ऊँचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने हैं उनकी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग अर्बन एरिया में हैं उनको कहीं ना कहीं हद तक किसी न किसी रूप में वो स्पिरिचुअलिटी के किसी न किसी क्रम से जुड़े हुए हैं। जैसे मेडिटेशन से कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ योगा से जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में या क्रम में वो स्पिरिचुअलिटी के आसपास आ जाते हैं, बिना किसी एक ऐसी चीज़ ठोकर लगे हुए, यानी कि कोई अपना चला जाता तब तक। या क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, 50,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जो भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं उसमें से मोस्टली या अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने कोई परिजन अपना खोया है और वो आए हैं, फिर उन्होंने इन चीज़ों को सीखना शुरू करा है। तो इस तरह की बात। खैर, तो अनुपात अगर मैं बात करूं धीरे धीरे करके, तो इस तरह का है कि 99% लोग स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते, सिर्फ और रिलीजन बेस्ड जो नॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं। और जब वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानेंगे तो देखिए ये भी डेफिनेटली बात बन जाती है कि उनको अपना जो लाइफ है उसका पर्पस भी समझ में नहीं आने वाला। लोग सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर यही दिनचर्या सुबह से शाम तक, आए दिन, एक सप्ताह, महीना, साल, ऐसे टाइम निकलता जा रहा है और इसी उसमें चले जा रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि आपका लाइफ पर्पस है क्या, आप क्यों हो यहाँ, जैसे मैंने पहले कहा, अगर यहाँ पे चींटी है, एक जानवर है, या इससे कोई बड़ा जानवर है, इंसान है, कोई भी है, अगर इस पृथ्वी पे है तो किसी भी फॉर्म में है, तो देखिए उसका कोई ना कोई मकसद है। और अगर मैं और ज़्यादा डीप डाउन आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, जो पहाड़ है उसका भी मकसद है, जो पेड़ है उसका भी मकसद है। अब आप करोगे कि इसमें तो जीव नहीं होता, यानी कि जीवन नहीं दिखता, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं फील करता हूँ इस प्रकृति को, हर एक चीज़ में जीवन है, जीव है। तरीके अलग अलग हैं, कुछ तरीके हम जिनको समझ सकते हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको हम नहीं समझ सकते, लेकिन जीवन इनके अंदर भी है। तो एक बात तो ये हो गई। खैर, अब मैं बात करता हूँ कि देखिए आपको अपना लाइफ पर्पस समझ कैसे सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि बहुत सारे लोगों को, यानी कि मोस्टली लोगों को नहीं पता कि हमारा पर्पस है क्या। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था, देखिए अगर एक बेसिक लाइफ पर्पस आपको जानना है, यानी कि अगर हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप कोई भी गलत काम मत करो,
जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप उसके अपोजिट क्या कर सकते हो, शांत रहना सीख सकते हो। इस तरह के समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको आप सही करने के लिए स्टैंड ले सकते हो, यानी कि कोई किसी गरीब व्यक्ति को परेशान कर रहा है तो आप उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ सकते हो, जो बहुत कठिन रहता है। समाज से लड़ना आज मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, अपने घर पर भी, समाज में भी, दूसरे जगह भी, तो यहाँ पे लड़ना बहुत जद्दोजहद की बात है, तो ये किसी भी पर्पस से कम नहीं हो सकता, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही टू द पॉइंट सिंपल वे में ये समझाऊंगा कि पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली आपका क्या पर्पस है इस जीवन का, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करके चलता हूँ, सपोज करो मैं हूँ, मेरे को, मैं अपने एक यहाँ पर पब्लिकली बता रहा हूँ, मेरे को डांस करते हुए इतना अच्छा महसूस नहीं होता या मैं इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता। अब देखिए, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, कई सालों से वीडियो का काम कर रहा हूँ, इस तरह से दूसरे भी सारे काम करता हूँ, लेकिन जब बात डांस करने की आती है तो मैं थोड़ा झिझकता हूँ, शर्म आती है, यानी कि कुछ इस तरह का भी एक महत्व है कि अगर दूसरा भी कोई डांस कर रहा है तो मैं उसको डांस देख के मैं शर्माने लगता हूँ। एक मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे आप में से कोई लोग होगा, अगर मैं उससे कहूँ कि एक वीडियो रिकॉर्ड करो मोबाइल के सामने, तो जितना कॉन्फिडेंटली मैं कर पा रहा हूँ, जितना बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करके आपसे बात कर लेता हूँ सेशन के माध्यम से, शायद दूसरे व्यक्ति वो काम ना कर पाए। इसी तरह से मैं IT यानी कि कंप्यूटर के सिस्टम में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझसे खेती का काम नहीं होता। या आप खेती का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आपसे कंप्यूटर का काम नहीं होता। यानी कि कहने का क्या मतलब है, इससे अब आपको अपने अंदर झांक के ये ताक करके देखना है कि आप किस काम में बेहतर हो और किस काम में नहीं हो। सपोज करो कि आपको डांस करना नहीं आता और आप इसके पीछे बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपके कॉन्शसनेस में कुछ ऐसा हो चुका है कि आप नहीं कर पाते और आपके लिए एक मिशन लगता है। आप ऐसे कामों की लिस्ट बना लो जिन कामों में आप करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते और वो आपको मिशन लगते हैं। अब देखिए, ये कैसे भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को गुस्सा आता है लेकिन वो चाहता है कि गुस्सा, वो जानता है कि गुस्सा गलत चीज़ है, उससे उसका नुकसान होता है, दूसरे का बुराइयाँ बनता है और चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी तरह दूसरी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो उसको परेशान करती हैं। तो जब हम इन बातों पर आते हैं तो आप बस इनको पिक करके रख लो। अब आपको एक आंसर मिलेगा कि देखिए, अगर मैं इस जीवन में आया हूँ और मुझे सीधा सीधा कहीं से ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला भाई कि मेरा यहाँ पर लक्ष्य हो क्या सकता है। देखिए, मैं बहुत एक्सपीरियंस से ये बातें बोल रहा हूँ, अगर कोई एक एंजल यहाँ पर उतर का है, अगर वो बताए तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करोगे और आपको पता लगेगा कि सुभाष ने भी यही बोला था। तो मैं सच में इसको, अगर कोई व्यक्ति ट्रस्ट कर सकता है तो इस चीज़ को ट्रस्ट कर लीजिएगा, ये बहुत इंटरनल है और बहुत ज़रूरी है, तो ये सच बात है, मैं ये कह सकता हूँ। फिर भी मैं कहूँगा कि अपना विवेक का इस्तेमाल करो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसा आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद में आप उन सारे कामों को देखो कि जो जो काम आप कर पा रहे हो, मतलब उसमें आप ठीक हो, कुछ काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उनको अपना टास्क बना लो। जैसे मैंने कहा कि कोई आके आपको लिख कर नहीं देगा कि आपके जीवन का ये टास्क है। अब कोई संत कोई कुछ ऐसा कर देगा कि आप ये कर लो, वो कर लो, दान कर दो। देखिए, बेसिक चीज़ें हैं, ये चलती ही रहेंगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई नया बता रहा, ये चीज़ें तो सभी को करनी चाहिए। लेकिन जब हम स्पेसिफिक करते हैं तो देखिए, आपकी सोल आपको बेहतर बताएगी, यानी कि आपके सबकॉन्शियसली आपको आवाज़ आएगी कि आपको करना क्या है। अब मैं आता हूँ इसके मेन पॉइंट पे, इस वीडियो के जो बहुत मेन अध्याय है इस वीडियो का, और इसके लिए शायद आप वेट भी कर रहे हो। अब देखिए, आप अपनी जर्नी को उठा कर देखो, मान लीजिए आपकी एज अभी मेरे बराबर है, 29 साल, 28 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 40 के हो, आप अपने पूरी क्रम को उठा कर देखो, जितने आपने 40 साल जिए हैं उसमें से पूरी घटनाक्रम जब देखोगे आपको पता चलेगा तरह तरह के एक्सपीरियंस आपको हुए हैं। अब इसमें जो गहरी बात क्या है कि इसमें से बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने खुद क्रिएट करे हैं, जबकि आपको नहीं पता। आपकी सबकॉन्शियसनेस जो है, यानी कि जो ईश्वर का फोर्स रहता है, प्रकृति का फोर्स है, नेचर फोर्स है, वो क्रिएट करता है। आपके अंदर सडन से कुछ ना कुछ थॉट चलते रहेंगे और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अब देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो आप एक ऐसे प्लेस पर रहते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, और आपके आसपास कुछ गुंडे वाले भी लोग हैं जो एक दूसरे को परेशान करते हैं,
उनको मजा ही परेशान करने में आता है, लेकिन आपको आपके घर वाले इतना समझाते हैं उसके बावजूद भी आप उनमें शामिल हो जाते हो, यानी कि जो सही व्यक्ति होता है उसका पक्ष लेने के लिए। और जब आप पक्ष लेते हो तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपने दुश्मनी मोल ले ली उन गुंडों से। अब आपको क्या होगा, आपको चोट आएगी, यानी कि चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे दुश्मनी के लिए हो, चाहे रिलेशन खराब हो, वट एवर इट इज़, लेकिन आप उसकी निगाहों में आ जाओगे। आपके घर वाले कॉन्शसनेस का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि विवेक का यूज़ कर रहे हैं, चेतना का, कि आपके साथ में दिक्कत ना हो। अपनी जगह वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका एक नेचर फोर्स है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि नहीं बेटा, आप जाओ इसके लिए स्टैंड लो, जो भी वो किसी को परेशान कर रहे हैं आपकी ड्यूटी है। और आपने स्टैंड लिया भी, और बोलते ना कि पड़ी लकड़ी हमने उठा ली, और अब हमें दिक्कत होने वाली है, और आप इस स्टेज पर आ गए। अब बाद में आपके परिजन भी रिग्रेट कर रहे हैं कि आपसे हम बोलते थे आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन आपने ना चाह के भी वो उस चीज़ में स्टैंड ले लिया और चीज़ें इस तरह से हो गई। अब देखिए, अब आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये हो कैसे गया। अब आप आगे बोलोगे कि नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से ही अगर आपकी जो लर्निंग थी कंप्लीट हो चुकी होती, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया होता कि हाँ आगे से कुछ भी ऐसा होगा तो मैं और स्टैंड लूंगा, तो देखिए इस तरह की घटनाएं आपके सामने आना बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर आपने जो सजेशन था आपके घर वालों का, आपके आसपास वालों का, कि किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाने चाहिए, किसी को दुख अगर कोई दे रहा है तो उसको ऐसे ही देखते रहो, हमें बस अपने दुख के बारे में सोचना चाहिए, तो ये सिचुएशन आपका सबकॉन्शियस माइंड बैक टू बैक क्रिएट करता ही रहेगा। आप कितना ही बच के चलो, कितना ही फूंक फूंक का पैर रखो, सिचुएशन आती ही रहेगी। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको इस पार्टिकुलर चीज़ से निकाल सके। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग होते हैं जो कई तरह के पर्सनैलिटी हैं, आपने देखा होगा, बहुत कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा बोलना पसंद है, किसी को बिल्कुल बोलना पसंद नहीं है, और किसी के इतने रूढ़िवादी होते हैं कि वो कुछ भी उसकी जान भी ले लेते हैं। तो हर तरह की पर्सनैलिटी हर जगह होती है। अब इसमें देखिए, मैं इतनी मजे की बात बता रहा हूँ, आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ आने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके फ्यूचर बताने की बात करते हैं कि मैं आपका भविष्य बता दूंगा, मैं अब आप सबका फ्यूचर बताने वाला हूँ। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सोच के चलिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई मैजिक दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बस आपकी तार्किक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको ये पता चल जाएगा। सपोज करो कि आपकी ये जो इस जीवन की जो पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की रही है कि जिसमें लोग आपको बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं गलत काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच्चाई का सामना करता हूँ, सच्चाई का साथ देता हूँ। इसी में जो आपके आसपास लोग थे जो आपसे चाहते थे कि आप उनका पक्ष लो, आपने उनका पक्ष ना लेके बल्कि दूसरे का पक्ष लिया जो सच है, तो आपकी सोल को पता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हो और आप क्या कर रहे हो, यानी कि आपका जो कार्मिक बैग है उसमें आपकी सही चीज़ गई हुई है। लेकिन लोग जब आपको पसंद नहीं करते या आप किस नेचर को पसंद नहीं करते, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक डाउट भी आता है कि शायद मैं गलत हूँ। तो लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी आगे बनेगी, यानी कि अगले जो टास्क बनेंगे तो आपके इसके इर्द गिर्द बनेंगे। अब मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर लाना है इस पूरे कन्वर्सेशन में जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स क्यों होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट क्यों होते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रोवर्ट क्यों होते हैं, क्यों बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्यों कुछ लोग कम बोलते हैं, उन्हें कितना ही समझा लो वो फिर भी ऐसे ही रहेंगे, और क्यों कुछ लोग पहले बहुत बोलते थे शांत हो गए, क्यों कुछ लोग कुछ नहीं बोलते थे लेकिन बहुत बोलना स्टार्ट कर दिए, तो चीज़ें ऐसा क्यों हो रही हैं। तो देखिए, ये आपका जो प्रेजेंट है उससे फ्यूचर बन रहा है। आज आप जो हो उसके हिसाब से जो आपने सीख लिया बेस्ट है, लेकिन जो पेंडिंग रह गया वो नेचर ऐसे करके ला कर रखेगा आपके सामने, वो आपको अगले उसमें जो यात्रा रहेगी उसमें करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको ये बहुत सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आपका पर्पस क्या है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। आपको जब भी अपने बारे में सोचना कि यार मेरा पर्पस है क्या, तो आप उस चीज़ की लिस्ट बना लो जिसमें आप कमज़ोर हो, आपको लगता है कि ये मिशन नहीं हो पाएगा, या इसमें मेरा हार्ट टाइट है, या अब जैसे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भाषा सीखने में दिक्कत होती है। अब जबकि वो भाषा है, अगर किसी को इंग्लिश आती है तो कोई उसने झंडे नहीं काट दिए, मैं सच बताऊँ मेरा तो ऐसा मानना है, वो भाषा है, आपने आपको अपनी भाषा आती है प्रॉपरली,
लेकिन किसी को हेजिटेशन है, हेजिटेशन क्या है लेकिन वो समझता क्या है। इसी तरह से किसी को डांस नहीं आता, किसी को गाना नहीं आता, किसी को चलना अच्छे से नहीं आता, किसी को अच्छे से बोलना नहीं आता। तो इसी तरह की अपनी लिस्ट बना लो और उन लिस्ट को आप अपना लक्ष्य मान लो। तो जब आप यहाँ से जाओगे, जिस चीज़ों में आपको दिक्कत थी वो आपने उन पर लक्ष्य हासिल कर लिया, अपना टारगेट प्राप्त कर लिया और आपका यही टारगेट है। अब देखिए, जो बेसिक वाले मैंने चीज़ें आपको पहले बताई थी कि किसी का बुरा मत करो, किसी की तरफ किसी की चुगली मत करो, किसी का अन्याय उसके साथ मत करो, किसी का खेत मत छीनो, किसी के साथ ऐसा मत करो, या जो भी सो तरह की बातें हैं, वो चीज़ें तो है ही हैं, वो तो हमें करनी है। वो एक अलग क्रम है, वो एक आपकी एक अच्छाई के लिए, यानी कि आपका जो एक कार्मा वाला बैग है उसका भरने का काम कर रहे हो। लेकिन जो लर्निंग है, आप इस पृथ्वी जगत से क्या लर्न कर सकते हो, क्योंकि इससे अच्छा प्रैक्टिकल एक सोल के लिए कहीं हो ही नहीं सकता लर्निंग के लिए। ट्रस्ट में ये सबसे अच्छा फील्ड है अगर आपको लर्निंग करने के लिए आना है, और जो सोल लर्निंग करने के लिए आती है उसके लिए बेस्ट रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो लर्न करते करते बीच में ही यहाँ से चले जाते हैं। और मैं अगली वाली वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा उन सोल के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं उनसे डर जाते हैं और डर के चले जाते हैं। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो सुसाइड मत कीजिएगा, अपना जीवन बीच में मत खत्म कीजिएगा, आपकी बहुत पढ़ाई होने वाली है। तो चलिए, इसी वीडियो के या यूँ कहूँ किसी जानकारी के साथ में आज की इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं ख़त्म। अगर आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है तो देखिए, आप हमारे बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल जो बुक्स हैं हमारे दो, अवेकन सोल और प्योर स्पिरिचुअलिटी, उनको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में। इसी तरह अगर आप और भी गहनता से हमारे बारे विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।